हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? सो दिस इज़ अगेन मी, तान्या भाटिया. आई एम यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नंबर वन टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड टीए यूजीसी नेट कैटेगरी. आज ये बच्चा अभी सब अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए फटाफट से. ओके, एक बार मैं देखती हूँ वीडियो स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ हमारा. लेट मी सी हेयर. आई थिंक इट हैज़ बिन. हाय जानी, कुछ पता ही नहीं लग रहा है इधर शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ. ठीक है. फाइनली इट हैज़ बिन स्टार्टेड. वीडियो हमारा शुरू हो चुका है. सो गाइज, अनअकैडमी की ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है. और यहाँ पे सर्च बार में आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तान्या भाटिया. आप जैसे सर्च करेंगे तो इस तरीके से मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने अनलॉक हो जाएगी, जहाँ पे आप लोग इसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं. स्पेशल क्लासेस, मॉक टेस्ट सब फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं. सिर्फ आप लोगों से एक्सेस करने के लिए मांगेगा तो सिर्फ एक कोड. तो आप लोगों ने TANYALIV, हेलो ललिता रानी, हेलो हेलो रजनी मिश्रा, ठीक है, हेलो चांदनी पांडे, तो ये कोड आप लोगों ने अप्लाई कर देना है. तानिया लाइव, TANYALIV. आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का एडिशनल 20% ऑफ हो जाएगा. 10% आपको कोड से मिल जाएगा और 10% आपको क्रेडिट्स अप्लाई करने हैं. ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं. और आवर बैचेज आर गोइंग ऑन अन अकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स एंड TUGC नेट पेपर 2, साथ में पेपर 1 भी आप लोगों को मिल जाएगा. तो इस बैच को आप ज्वाइन अपना कर सकते हैं. ठीक है, सो गाइज, टुडे माइक्रो का हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, ये रहा जी आपका आज का पहला सवाल ऑन योर स्क्रीन. हु एक्सप्रेस द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स. आ जाइए बच्चे, सभी ज्वाइनिंग ले लीजिए. हेलो अनु, यह विचार किसने व्यक्त किया कि अर्थशास्त्र सादे के बीच तटस्थ है? मार्शल पिगू, एडम स्मिथ या फिर रॉबिन्स? जल्दी से बता दीजिए पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर राइट नाउ. किसने किया था ये? ए दे रहे ज्यादातर हैं तो ना मुझे चेक करवाना पड़ेगा. पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें, हमारा वीडियो नहीं शो रहा, सिर्फ आवाज़ ही जाती है इस वीडियो के अंदर ना. ओके, ठीक है. देखिए, आपको लग रहा है ए, बट ये ए नहीं है क्योंकि रॉबिन्स इज द राइट आंसर. इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग हेयर एंड रेफर्स टू एंड क्या है यहाँ पे? ह्यूमन वॉन्ट्स है, विच आर अनलिमिटेड इन नंबर. देखिए, आप लोगों को पता है कि ह्यूमन वांट्स कैसी होती है. ह्यूमन वांट्स आपकी अनलिमिटेड होती है. ही वॉज ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्कार मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. इन अदर वर्ड्स, एन इंडिविजुअल हैज टू चूज गिवन द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. तो हर तरफ से आपको पता है क्या रहता है कि भाई किस तरीके से जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें से कैसे सिलेक्शन करना है ताकि अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करा जा सके, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके. तो रॉबिन्स का है. बड़े सारे लोग आप में से ए बोल रहे थे, ए वाला सही नहीं है, इट इज़ फ्रॉम रॉबिन्स. ठीक है, मैचिंग लगानी है बच्चे, इससे लगा लीजिए आप लोग. एक मिनट रुको, इसको तो रहने दो क्योंकि दैट इज़ फ्रॉम द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये मिक्सअप क्वेश्चन आ गए हैं ना हमारे पास. इंटरनेशनल ट्रेड भी ठीक है, दूसरी फाइल ओपन हो गई थी इसलिए आपको मैं एक और फाइल देती हूँ. हाँ जी, यहाँ से कीजिए. इन कंजम्पशन इन्फीरियर गुड्स है. हाय जय कुमार राज, हेलो विनय कुमार सिंह. नेगेटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, जीरो इनकम इफेक्ट या फिर इनफाइनाइट इनकम इफेक्ट.
हिंदी वाली हिंदी देख लो। जो आप लोगों के निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं वो कैसे होती हैं, नकारात्मक आय प्रभाव, या फिर आप लोगों का सकारात्मक आय प्रभाव, या शून्य आय प्रभाव, या फिर अनंत आय प्रभाव। इन्फीरियर कोट, निम्न कोटि की वस्तुएं। ऐसी हैं ये, हमेशा याद रखिए इन्फीरियर गुड्स के अंदर होता है क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे क्या नज़र आएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग यहाँ पे। अच्छा, आपका प्लस ख़त्म हो गया, कोई नहीं, स्पेशल और यूट्यूब पे आ जाए करो। तो देखिए, जब भी एक इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो इन्फीरियर गुड की क्वांटिटी को कभी भी परचेज़ नहीं करना चाहता, उसे कम करना चाहता है। तो हमारा जो क्यूडी है इन्फीरियर गुड का, वो कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे इनकम कम होती है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो इन्फीरियर गुड की है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर ये हो जाएगा। एंड गाइस, करेक्ट आंसर है टू बी फर्स्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पर नज़र आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ अगर आपको ना दिख रहा हो तो। अ कार्टेल एम्स एट मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल प्रॉफिट, इंडस्ट्री प्रॉफिट, शेयर ऑफ आउटपुट ऑफ मेंबर, या गुडविल ऑफ द मेंबर्स। पर मैं जरा ना इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देती हूँ। इंडिया लेन देख लो। एक कार्टेल अधिकतम करता है क्या, व्यक्तिगत लाभ, उद्योग का मुनाफा, सदस्यों के उत्पादन का हिस्सा, सदस्यों की संभावना। देखिए, कार्टेल मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो व्हेन वी आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, ग्रुप में जब हम लोग आ जाते हैं तो हम सभी का सोचते हैं, खाली एक जने का नहीं सोचते, हम सभी के बारे में सोचते हैं। वी थिंक अबाउट ऑल। एंड हेयर जो मैक्सिमाइज किया जाएगा, अ कार्टेल एम एट मैक्सिमाइज इंडस्ट्री के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की सोचता है। देखिए, जैसे जब कॉलेज में भी आप जाते हैं और अपने दोस्त बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो जो खाना पीना होता है वो सब एक साथ ही होता है, सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। सो वी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और प्रियंजना ने दिया है सबसे पहले, सो कुडोस फॉर प्रियंजना। द स्टेटमेंट दैट नो वन कैन मेक बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग, हेलो अंकिता कुमारी, संबंध वर्सो, डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग, पैरेटो ऑप्टिमम, नैश इक्विलिब्रियम, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, या फिर कॉर्नोट इक्विलिब्रियम। हिंदी वाले ने देख लीजिए। यह कथन कि किसी को भी बदतर बनाए बिना किसी को बेहतर नहीं बनाया जाता, निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है। पैरेटो इष्टतम, नैश संतुलन, निम्न स्तर का संतुलन जाल, या फिर साहस का संतुलन। थर्ड क्वेश्चन, नो वन कैन बी मेड बेटर विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। बिल्कुल, देखिए दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेटो ऑप्टिमम। अब जनरल इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जनरल इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा था दैट देयर आर ओनली टू पीपल, तो भाई दो लोग हैं सिर्फ। ठीक है, अब जब दो लोग हैं तो एक का बुरा किए बिना एक दूसरे का तो अच्छा हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, और इसे आप पैरेटो ऑप्टिमम का नाम देते हैं। स्लस की इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है,
लस्की समीकरण बताता है टिकाऊ माल की मांग, टिकाऊ माल की आपूर्ति, मूल्य, आय, प्रतिस्थापन, प्रभावों के बीच विभाजन, दुर्लभ या गैर प्रजनन योग्य वस्तुओं की मांग। सेलेस्की इक्वेशन एक्सप्लेन। देखिए सेलेस्की इक्वेशन का क्या काम है, जो आप लोगों का प्राइस इफेक्ट होता है, कीमत प्रभाव, उसको दो उसमें बांटा जाता है, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में। सब्स्टिट्यूशन आप लोगों का होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। इनकम इफेक्ट कैसा होता है, इनकम इफेक्ट होता है आप लोगों का आय प्रभाव। तो आपने देखा होगा, देखिए जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो कंपटीशन में आप लोगों का जो दूसरे वाली कमोडिटी है, मान लीजिए जैसे पेप्सी सस्ता हो गया है ना, तो कोक पीने वाले फिर पेप्सी की तरफ आ जाते हैं सारा, जिनको ब्लैक कोल्ड ड्रिंक पीना है, क्योंकि वो उसको टेंड करेगी और ज़्यादा लेने के लिए, उसको परचेज करने के लिए, क्योंकि पेप्सी मार्केट में क्या हो गया है, सस्ता हो गया है। आय प्रभाव कैसा पड़ता है, देखिए जब भी किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो रियल इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाती है, रियल इनकम विल इंक्रीज। ठीक है मैम, यू आर नॉट विजिबल। हाँ जी, इस क्लास के अंदर मैं विजिबल नहीं होती, इसमें खाली मेरी आवाज़ आती है। तो जब रियल इनकम बढ़ जाती है तो आप उस चीज़ का ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे। स्प्लिट बिटवीन प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बोथ का आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस तो अभी आप रहन दीजिए, इस क्वेश्चन को करो। गिवन द CES प्रोडक्शन फंक्शन एज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स इज, हाँ इसकी हिंदी नहीं है, हिंदी में शायद हम इससे प्रतिस्थापन की लोच भी कहते हैं। ठीक है, इट विल बी 1/(1-P) आप लोगों का हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो हमारा फॉर्मूला है, सो फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, डोंट नो, होमोजेनियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मेनी बायर बट वन सेलर। देखिए जब हम लोग बात करते हैं कौन सी प्रतियोगिता है, ये एकाधिकार प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। सजातीय उत्पाद, उत्पाद भेदभाव, मूल्य भेदभाव, कई खरीदार लेकिन एक ही विक्रेता। वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, हाँ जी देखिए ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर हम लोग बोलें इस मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फीचर है, दैट इज़ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसा रहता है आप लोगों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हिंदी में आप इसे बोलते हैं उत्पाद भेदभाव, सो सेकेंड विल बी द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ कॉर्नोट मॉडल इज, बट एंड स्टैकलबर्ग, स्वीजी, नन ऑफ द अबव। मॉडल का तार्किक विस्तार कौन सा है, बट एंड स्टैकलबर्ग, स्वीजी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हेलो रिटा मुराल, तार्किक विस्तार कौन सा है, लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ कॉर्नोट मॉडल। ठीक है,
देखिए बेसिकली कॉर्नोट मॉडल के अंदर क्या होता है कि देर आर टू फर्म्स, और वो लोग जब एक अपना क्वांटिटी डिसाइड करती है तो फिर दूसरे वाली क्या सोचती है कि उसने कांस्टेंट रखा होगा, दूसरे वाली क्वांटिटी डिसाइड करती है तो फिर पहले वाले के बारे में ये सोचती है कि उसने कांस्टेंट रखा होगा। अन अकेडमी ज्वाइन कैसे करें? देखिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे आप डाल दीजिए अन अकेडमी, आपके पास ऐप आ जाएगी, फिर सर्च बार में तानिया भाटिया डालना। इस तरीके से मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी आपके सामने, और ये सब जो कोर्सेज हैं आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। सिर्फ आपसे कोड मांगेगा, कोड आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे लगा देना है, तानिया लाइव आप लोग अप्लाई कर देना, TANYALIVE, जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे तो बस वो अनलॉक हो जाएगा। ओके एक मिनट रुको, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कोडिंग ओवरलोडिंग।